On a very, very good evening to you all. I hope you just watched the live with RJ Ira and Mera naam hai Kanika. I am an RJ with Radio Mirchi and welcome to the Smule Friendship Jam with Mirchi, jahan par pure hafte Radio Mirchi and Smule milkar music aur dosti ko celebrate kar rahe hain. It's a great, great initiative. Music aur dosti, yehi to do cheeze hain jo hamari life mein constant companion rehti hain. So aaj, oh wow, I'm so surprised. Itne sare logo ko already pata hai that I am going to be in conversation with Harshdeep Kaur. And a lot of fans are already here, which is really nice. Can't wait. Ask for the new release. Pyar mila. Thank you so much. Jitne log yahan par Harshdeep ke fans hain, jo Harshdeep ke liye aaye hain. I want to tell you all that you have a very, very big opportunity जिसमें आप हर्षदीप के साथ जैम कर सकते हैं, उनके साथ गाना गा सकते हैं, and if she likes your work, you know, you have a great chance to actually present your work to her, and फिर क्या होगा ना, that she will tell you when she joins us. So you stay tuned with us till the end of this live, and हर्षदीप will actually tell you what's going to happen, and हर्षदीप इज राइट हियर. एंड क्या बोलूं यार मैं सिंगर के बारे में, आई एब्सोल्युटली लव हर. शी इज वन सिंगर जिसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि यू नो फिल्म स्पेस, नॉन फिल्म स्पेस, सूफी स्पेस, शी इज जस्ट अ ट्रू आर्टिस्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव हर. उन्होंने हमें ज्वाइन, जैसी वो आएंगी लेट्स, जहां पर भी आप बैठे हो ना ताली बजाना. ओके okay? Welcome to Smule Friendship Jam. How are you this evening? I'm doing great, and you look so pretty and so vibrant. It's lovely chatting with you. Wow. You know, you said, I was like, my lips were, and I could not find my words initially. Kyunki yaar, I have been saying this since the time I got to know that I'm going to be jamming with you. Really? A voice जिससे 2006 में जब से मैंने एक ओंकार सुना है हर्षदीप, आई स्वेयर वो उस तरह का गाना था, वो उस तरह की आवाज जो मेरे जब मैंने सुनी, विच यू गो एंड यू सर्च कि कौन है ये, कहाँ थी. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. एंड अब से लेके आज तक, आई मीन यू नो एज आई से दैट यू आर एवरीवेयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस म्यूल फ्रेंडशिप जैम. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी लाइव विद यू. आपकी ना म्यूजिक की जर्नी हम सबने देखी है, कहीं ना कहीं हम आपकी म्यूजिक की जर्नी के पार्ट भी रहे हैं, बट स्म्यूल के जरिए जो ये फ्रेंडशिप की स्टोरीज है, जो फ्रेंडशिप और म्यूजिक को हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके थ्रू वी गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन ऑल्सो टॉक टू यू नो इन अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. यस, विच फ्रेंडशिप. बिल्कुल. तो जब मैं, आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट विद, वेन आई से दिस वर्ड फ्रेंडशिप, वट कम्स टू योर माइंड? आई थिंक फ्रेंडशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइफ का. एंड ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ यू कैन बी योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बी समबडी और बी इन अ पर्टिकुलर मैनर कि मैं ऐसा होऊंगा या मैं ऐसी होंगी तो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे. फ्रेंड्स के साथ आप अपना रियल रूप दिखा सकते हो, तो वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं. एंड आई थिंक लाइफ फ्रेंड्स के बिना बहुत ही ब्लैंड होगी, बहुत फीकी होगी. सो फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. But just like music is a true companion or a friend through all the stages. तो ये जो जैम में हम शुरू करते हैं by asking, and I'll give you an option कि जब आप अपने दोस्तों के साथ जैम करती हो और generally जब बाहर जैम करती हो आपको request आती है, आपके दो गानों में से आपको pick करना है and we will start this jam with one of that. Okay? अच्छा. ज़ालिमा या दिलबर? दो गाने हैं, मैं कैसे चूज करूं? जो शाहरुख खान को प्यार करते हैं या जो रोमांटिक गाने पसंद करते हैं, दे लव ज़ालिमा. सो आपकी चॉइस है, वी गोना स्टार्ट दिस जैम विद योर चॉइस, आइदर ज़ालिमा या दिलबरो. चलो ज़ालिमा गाती हूँ बिकॉज मुझे शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है कि प्यार दोस्ती है. Exactly. प्यार दोस्ती है, ने काफी खराब भी करा है हमारा दिमाग, लेकिन let's start with that. So I'll start off with that song. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ज़ालिमा,
ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा सो दैट्स जालिमा फॉर ऑल ऑफ यू Thank you so much. Thank you for jamming with us and starting this jam with this song. Now tell us ki is industry mein who's your favorite buddy to jam with? Favorite buddy to jam with? I have a lot of singer friends, but one of my friends, Ash King, uske saath jam karne mein bada maza aata hai. He's a fantastic singer, and whenever we meet at house parties, so we jam a lot. Wow. Now, एक चीज अब यू मेंशन एश किंग, ये एक ना बहुत ही मैं क्या बोलूं, ये कॉनोटेशन है कि इंडस्ट्री के दो लोग दोस्त नहीं हो सकते या दो फीमेल सिंगर्स दोस्त नहीं हो सकती, दो फीमेल एक्टर्स दोस्त नहीं हो सकती. वेर एज आई सी अ लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ कोहेसिवनेस इज इन ऑल द आर्टिस्ट. यू टेल अस, ये व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस कि दो फीमेल सिंगर्स फ्रेंड नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है. दो फीमेल सिंगर्स बिल्कुल फ्रेंड्स हो सकती हैं. Like I'm very good friends with Neeti and Richa Di. So ye sab hum friends hain. Anusha aur Himani aur so many friends. Aditi, we are all friends. Shilpa. So jab bhi hum parties pe milte hain ya kabhi kisi event pe milte hain, to hamari masti alag chal rahi hoti hai. Tab hum singing ki baatein nahi kar rahe hote. Hum apni personal masti hamari on rehti hai. Of course, yeah. Just because they are singers, that doesn't mean कि वो लोग हमेशा एक दूसरे को देखते ही गाना गाना शुरू करते हैं. Exactly. मतलब हम singers से पहले हम इंसान हैं, तो हमारे बहुत सारे friends भी हैं. You know, ये आपके friends अब music industry से हैं. Let's go थोड़ा पहले. तो आप तो जब 16 साल की थी तभी आपका पहला music album आ गया था. While you were writing your board exams, right? You were managing your music also. So मुझे तब के time की ना अपनी म्यूजिक और फ्रेंडशिप्स को बैलेंस करने की कोई, इफ यू हैव एनी मेमोरी ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम बैक इन स्कूल, एनी स्टोरी यू कैन शेयर विद अस. वेल, मेरी बचपन की सबसे पुरानी दोस्त है कृति अरोरा. अब वो कनाडा में है, वो डॉक्टर है, और हम दोनों इकट्ठे गाना गाया करते थे. हम कोई ग्रुप में भी साथ थे. तो वो एक फ्रेंडशिप है कि म्यूजिक ने तब भी हमें जोड़ा. और उसके बाद कॉलेज में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, स्कूल में भी बहुत सारी फ्रेंड्स है. माई कॉलेज फ्रेंड्स आर उज्ज्वला, किरण, वो बिल्कुल भी म्यूजिकल नहीं थे. मतलब उनको इतना सिंगिंग का शौक नहीं था. तो उनके साथ ना दे यूज टू लाइक ब्रिंग मी डाउन कि ओके ठीक है, तेरी इंडस्ट्री की बातें ठीक है, हम अपनी अलग मस्ती करते हैं. सो यू गेट टू बी अ वेरी नॉर्मल पर्सन एंड वेरी लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप पर्सन विद देम. तो आई एंजॉयड लाइक बोथ द वर्ल्ड्स. आई वॉज एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. आई कुड बी अ स्टार और अ सिंगर ऑन स्टेज. And when I was with my friends, I was a very regular, very normal girl. So they helped me. It never mattered. Grounded. Right. Yeah. So you know, you, aapki schooling, you've grown up as a 90s kid, and post time pe, and abhi bhi, you know, 90s mein jo friendship ke kuch gaane aaye the, some of those songs abhi bhi Smule ki friendship jam playlist pe hain, jis pe koi bhi jaakar उन गानों पे जैम कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बिकॉज हम अभी मिलकर तो जैम नहीं कर सकते हैं, गेड़ियां नहीं मार सकते हैं, पार्टियों में नहीं जैम कर सकते हैं. सो स्म्यूल के जरिए जो लोग यू नो गानों पे, फ्रेंडशिप के गानों पे जैम कर सकते हैं, तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू द प्ले लिस्ट एंड देयर सो मेनी सॉन्ग्स जो 90s के गाने हैं. यू टोल्ड स्टोरीज अबाउट योर स्कूल फ्रेंड्स. कोई ऐसा फ्रेंडशिप का गाना व्हिच हैज बीन लाइक रियली स्पेशल और यू नो मीन्स फ्रेंडशिप टू यू? I think it's the legendary KK songs that did the best during our school time. वो गाने उन्हीं दिनों आए थे, उसके music videos भी आए थे, and शायर के भी काफी सारे गाने थे, तन्हा दिल और ये सब गाने. So yeah, that was our phase in college when we used to listen to indie pop music, which थोड़ा थोड़ा गायब हो गया बीच में, वापस आ गया. So yes, that was the phase. जोरों के साथ. बिल्कुल बिल्कुल, जोरों शोरों के साथ वापस आ गया. तो वो कुछ गाने थे जो हम गाया करते थे स्कूल के टाइम पे, और सॉन्ग्स बाय लेस्ली लुईस, परी हूं मैं, एंड ऑल द सॉन्ग्स. या पर लाइक इसका एक रेंडिशन बाय हर्षदीप. तो कौन सा? प्यार के पल. प्यार के पल, ये तो एक्चुअली फेयरवेल सॉन्ग था. जब स्कूल की छुट्टी हो रही थी तब ये सब गाते थे. मैं भी उनको गाते थे. जस्ट आई विल सिंग अ कपल ऑफ लाइंस.
रहे आना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाने तो होगी खुश नसीबी हम रहे आना रहे याद आएंगे ये पल Wow. Oh my God! Thank you, thank you so much. It's a moment. KK Kanika, ka pyar ki pal, the evergreen friendship song sung by you. Thank you, Kanika. Kanika, उन दिनों ना ये भी एक बड़ी speciality थी कि उस time Google पे lyrics नहीं होते थे और शायद Google भी इतना ज़्यादा available नहीं था तो हम actually वो tape recorder या CD पे उसको rewind कर करके खुद की handwriting में इसके lyrics note down करते थे and that was a very proud feeling. We had our own song books जिसमें हम lyrics jot down करते थे फिर उसको बार बार सुनते थे ताकि याद हो जाए. अभी तो सब phone खोलते हैं और lyrics सामने होते हैं ना, but उस time पे वो एक effort होता था to go to a song and then pause it and write it and rewind it and then understand the meaning. So that is something I really miss. एक बड़ा ही अच्छा एक दौर था वो. यू नो ये उस टाइम का एक फ्रेंडशिप एंथम था एंड अभी रिसेंटली इंडिया जैम करेगा के इस इनिशिएटिव में एक नया फ्रेंडशिप एंथम आया है व्हिच इज इंडिया जैम करेगा जो बेनी और शालमली ने गाया है. आपने वो गाना सुना है क्या? बिल्कुल मैंने सुना है. दोनों मेरे दोस्त हैं और जब मैंने उनका दोनों का कोलैबोरेशन सुना तो उनको देख के लग रहा था कि वो गाते हुए कितना मजा आ रहा है दोनों को. एग्जैक्टली fresh, it's very fresh, it's very fresh. Yeah, so everyone watching, all the viewers, you know, you can jam on that song and aur bhi bahut sare gaane dosti wale jo friendship jam playlist pe hai smule pe, you can actually sing that song with Harshdeep and if she likes your performance then kya hoga Harshdeep, you might want to tell all our viewers. Ye hoga ki hum usko share karenge, aap please mere sath gaaye. In fact it's a very good I would say it's a very good platform that you can actually jam with your favorite artist and we also check ki kis kis ne hamare sath jam kiya hai. To bada mazedar ek interaction hai with your followers and aisa waqai lagta hai ki aap FaceTime kar rahe ho aur ek dusre se involve hoke wo kar rahe hain. So it's a very good gesture from Smule ki ek artist aur unke fans they can sing together. And you know, especially in this lockdown jahan par you can't like real time go and connect with your fans, they can't see you in concerts which are live concerts, so and I'm missing that badly. Exactly, so you know iske zariye aap apne fans ke sath ek hi time pe jam kar sakti hain. Bilkul bilkul. So abhi humne baat kari about this friendship jam and there's so many friendships, you told us about your school friendships aur pyar dosti hai bhi ab aa hi gaya tha na jab. So आपके लाइफ के प्यार के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में जो हम लोग देखते हैं ना, वी रियली फील लाइक यू गाइस आर सो गुड फ्रेंड्स. इनफैक्ट वो जो प्यार की कहानी है मैंने आज ही पूरी दुनिया के साथ शेयर करी है थ्रू अ सॉन्ग दैट आई हैव रिटन एंड कंपोज्ड फॉर मनकीत हु हैपेंस टू बी माय बेस्ट फ्रेंड एंड हस्बैंड. सो द सॉन्ग इज कॉल्ड प्यार मिलया एंड इट एक्चुअली टेल्स द स्टोरी कि हाउ आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई फाउंड माई लव. और पहले जैसे मैं अनजान थी दिल की बातों से लेकिन ही वॉज ऑलवेज देयर. हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ तक एक ही क्लास में थे बट उस टाइम नहीं पता था कि हम दोनों कभी फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बन जाएंगे. सो या दैट्स हाउ गॉड कनेक्ट्स अस एंड हाउ आवर फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव एंड देन मैरिज. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. बेस्ट फ्रेंड के लिए जो कि आपके हस्बैंड भी हैं ये गाना वी शुड हैव दिस सॉन्ग फॉर हिम. So I'll sing the song that has released today. Right. हम बड़े अच्छे दिन बातचीत कर रहे हैं. आज ही गाना रिलीज हुआ है, so I'll sing a couple of lines of प्यार मिलया.
मेरे रब्बा मैं शुक्र मनावा के मैनू मेरा प्यार मिलया, के मैनू मेरा प्यार मिलया, होया दिल दिया पूरिया दुआवा के प्यार बेशुमार मिलया, कि मैनू मेरा प्यार मिलया। मेरे रब्बा मैं शुक्र मनावा कि मैनू मेरा प्यार मिलया, कि मैनू मेरा प्यार मिलया। So that's the song. Gorgeous. Thank you so much. Thank you. Thank you. You know, अभी हम फ्रेंडशिप्स की बात कर रहे हैं. यू नो योर स्कूल फ्रेंड हुज नाउ योर हस्बैंड, वी स्पोक अबाउट हाउ फ्रेंडशिप्स इन इंडस्ट्री आर देयर. जब हम इस तरह के म्यूजिक और फ्रेंडशिप को जब मैं साथ में बात करती हूँ ना, तो एक चीज जिसके बारे में यू नो एज वी वर डिस्कसिंग पहले भी, इज अ लैक ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप की स्टोरीज या इवन गाने के जरिए से हम लोग फीमेल फ्रेंडशिप सेलिब्रेट ही नहीं करते इतना ज्यादा. आई थिंक आपने आइडिया अच्छा दिया. आई थिंक नेक्स्ट सिंगल मुझे इसी पे काम करना चाहिए. मे बी अ सॉन्ग अबाउट अ फीमेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंडशिप. बट यस आई अग्री, जो जितने भी अभी तक गाने आए हैं, बीट रोते हुए आते हैं सब और यारा तेरी यारी और दीज ओल्ड सॉन्ग्स, मोस्टली दे आर वेरी मेल सेंट्रिक. फीमेल फ्रेंडशिप के गाने बड़े कम हैं. आपने बिल्कुल सही कहा. क्यों है? I mean it's gender neutral, it can be applied to anyone, but जो हम glorify करते हैं, so ऐसी this एक आप ही की fan है, I will take the name also, Shweta and Shefali, both of them. Hi Shweta and Shefali. They wrote to me after I shared that we're going to have this conversation, and they mentioned कि अपने hostel के days में वो आपके गाने उफ पे दोनों एक साथ jam किया करते थे, and साथ में वो हॉस्टल में परफॉर्म करते थे, एंड देन श्वेता एक्चुअली परफॉर्म उफ ऑन हर फ्रेंड्स वेडिंग. सो दे रिक्वेस्टेड इफ यू कैन यू नो जैम फॉर देम इस गाने उफ पर. उफ इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय विशाल एंड शेखर, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट सॉन्ग. इवन द वीडियो इज वेरी एक्सट्रीमली क्यूट, वाइब्रेंट कैफ एंड ऋतिक रोशन क्रिएटिंग मैजिक विद हिज डांस. And I had a ball when I was singing this song. So, couple of lines. I have to take a deep breath for this song. Go for it. Uff, mere dil mein thodi kali si jagah thi. Uff, tune aake bin kiraye ye jagah li. Kuch keh bhi na saki. Ek aisi bebasi. Yun chupke chupke aaya bin bulaya mehmaan. Uff. मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस कब शर्माया वो, ओ उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी, एक ऐसी बेबसी, यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ मेरे दिल में उफ उफ मेरे दिल में उफ उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी. Oh my God. Thank you. Guys, I can't sing. लेकिन अगर मैं थोड़ा भी गा पाती ना, आई वुड हैव लाइक जंप्ड माय सेल्फ एंड स्टार्ट सिंगिंग विद हर्षदीप. सो इफ यू गाइस सिंग और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, सो यू नो यू शुड डेफिनेटली गो ऑन स्म्यूल राइट नाउ एंड डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी टू जैम विद हर्षदीप. मतलब हर्षदीप अपनी आवाज अपने गले में छुपा के रखी थी, क्योंकि मैं गा देती ना यहाँ पे. नहीं नहीं, आई थिंक स्म्यूल पे एवरीबॉडी कैन सिंग, बिकॉज देयर आर सो मेनी वंडरफुल इफेक्ट्स ऑन इट दैट यू विल फील दैट यू आर इन अ स्टूडियो. There'll be automatic reverb in your voice coming, so you will feel good about yourself. So go and sing your heart out here. It's very important to express your feelings. आपका recording experience कैसा रहा Smule पे? You know, you jammed with Nirmik. It was my very first time on Smule. मैंने बहुत सारे videos देखे थे, but to actually go on it and you know record in one take, that was a very it was a learning experience that you have to take care कि कब वो words आते हैं. Like a karaoke, कुछ मिस ना हो जाए.
So that is very important, and you have to be very alert. And the process was very enjoyable because you can see yourself later, you can put some filters on it. So it's like a ready-made, custom-made video for you that you're singing, and this very good quality recording, because when you record it on your earphones mic, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छी आती है, which is very surprising कि आप कई बार वैसे कुछ नॉर्मली रिकॉर्ड करते हो तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती, but the recording in Smule is really nice. So for all the people who are going to know, is life ke baad seedha, they're going to search for you and they're going to jam with you. Definitely they're inclined towards music. And In har fact, I koi should put up more mein, of my songs so that people can sing those as well. so that they It's a can good jam with idea. you. Yeah. So, to all these aspiring musicians, jinke saath you've always had a friendship with music while you were growing. So बिल्कुल. ये these aspiring musicians who are growing up and they're also balancing their friendships and their music and their life, which the one advice which you would want to give to them? Well, you should always try to be happy with whatever life or whatever God has given to you. Sometimes people keep on cribbing ki mere pas ye nahi hai, mere pas wo nahi hai. I think you're the richest when you have friends with you, so you should treasure that. कहते हैं कि अमीर वो नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, अमीर वो है लाइफ के एंड में जो कह सके कि मैंने इतने लाइफ में दोस्त बनाए हैं. सो वी शुड रिमेम्बर दैट एंड ट्रेजर योर फ्रेंड्स एंड डोंट लेट द गुड वंस गो एनीवेयर. अगर गलती हो जाती है तो सॉरी बोल दो, और कुछ अच्छा करते हैं तो थैंक यू बोल दो. इट्स द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रेंडशिप दैट डोंट लूज योर गुड फ्रेंड्स. I hope everyone heard her. And now, before we end this session, मैं आपके मस्त कलंदर या फिर लॉन्ग गवाचा के बिना तो इस सेशन इस जैम के बिना तो कोई भी लाइव जैम विद हर्षदीप इज इनकम्प्लीट. सो अगेन इट्स योर चॉइस, आपको मस्त कलंदर या फिर लॉन्ग गवाचा में से. मैं लौंग गवाचा गाती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग वीडियोस ऑन लौंग गवाचा. इट्स रिक्रिएशन ऑफ द फोक मेलेडी दैट इज देयर ऑन ऑल स्ट्रीमिंग साइट्स. आई एम श्योर स्म्यूल पर भी है, तो आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम दैट सॉन्ग. दिल ते अबेरी है बीमार दा तन वे मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे हो. दिल ते अबेरी है बीमार दा तन वे मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे मिलने ते रुस जांगी सदले मैंने तो तू करके मनाई वे मेरा लौंग वाचा. पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई चीरे वाले आवे इक दाई वे मेरा लौंग वाचा. निगा निगा मार दा आई वे मेरा लौंग वाचा. So cool, man. So cool. Thank you so much. This is what I mean when I say ki when Harshdeep is singing, I can't just wait to jump in and start jamming. Thank you so much. That's really sweet of you. You tell me when you are in these jam session with your friends, all your artist friends. So आपके दोस्तों का सबसे रिक्वेस्टेड गाना कौन सा होता है आपको? ये वाला गा के सुना. उस टाइम ना हम ये सोच ही नहीं रहे होते, उस टाइम हम पागल हुए पड़े होते हैं, तो जो गाना दिमाग में आते हैं हम वो गा देते हैं, चाहे वो रेट्रो हो या नए गाने हो. बट या लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे रिक्वेस्ट फॉर लॉट ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स और द सॉन्ग्स दैट आर संग फॉर फिल्म्स लाइक हीर और दिलबरो, तो इसकी फरमाइश जरूर आती है. So, दिलबरो मैंने देखा था दैट आपने नीति की वेडिंग में ये गाना नीति के और उनके हस्बैंड के लिए गाया था. राइट राइट एंड शी क्राइड दिलबरो अ लॉट. आई मेड अ क्राई आफ्टर सिंगिंग दिलबरो. वो मोमेंट ही ऐसा था ना. सक्सेसफुल, यही तो मिशन था. मतलब दैट वाज माय मिशन टू मेक अ इस क्राई. गाने ने तो वैसे भी सबको रुलाया है जिसने भी ये गाना सुना है. एंड इन फैक्ट आई रेड दैट आप भी ये गाना गाते हुए स्टूडियो में यू गॉट रियली इमोशनल. मैंने काफी कंट्रोल किया अपने आप को बिकॉज आई हैड टू रिकॉर्ड द सॉन्ग. अगर रोने लग जाती तो गाना कैसे गाती. बट यस, वो ट्यून ही ऐसी है, गुलजार साहब के लिरिक्स ऐसे हैं,
the way Shankara San Loy have composed the song, तो वो ऐसा गाना था कि सुनते ही पहली बार में प्यार हो गया था गाने के साथ. तो मुझे अपनी विदाई याद आ गई थी, मुझे वो मोमेंट्स याद आने लगे जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी और माय डैड वाज आउटसाइड, आई वाज जस्ट वेविंग गुड बाय टू हिम. तो वो सब सीन्स सामने आ जाते हैं. सो दैट्स व्हाट म्यूजिक डज टू यू, इट ब्रिंग्स बैक ऑल योर मेमोरीज. सो मेरे साथ वही हो रहा नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती हूँ अभी, लेकिन जब इतनी बात करी है एंड बिकॉज़ इट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग, सो दिल भरो कैन वी जस्ट हैव इट. कनिका मुझे ऐसे छोड़ेगी नहीं. मुझे गाना ही मैं यहाँ पे जैम हो रहा है एंड यू नो पीपल आर गोइंग टू जैम विद यू ऑन म्यूल, सो जस्ट लास्ट वाला डन डन. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो. डोंट क्राई. मेरी मॉम कभी भी ये गाना सुन लेती है, शी टेक्स्ट मी ऑल द टाइम दैट यू नो आई आई थिंक आई कांट टेक, आई मीन यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस सॉन्ग. आई फील दैट. टू ऑल द व्यूअर्स हु जॉइंड अस टुडे, यू नो यू कैन एक्चुअली जैम विद हर्षदीप, आप स्म्यूल पे जाके उनके साथ जैम कर सकते हैं एंड इफ शी लाइक्स योर वर्क शी विल शेयर योर वर्क एंड यू नेवर नो वो काम कौन देखे, वो किस तक पहुंचे. So you should definitely do that and please check out the Smool Friendship Jam playlist. Jaake jam karo. Harshdeep is waiting for you there. I'm there. For the fans, Harshdeep, what will you like to say? And we'll just, you know, this is the last thing. What would you like to tell all of them? I would just tell them that thank you so much. I couldn't talk to you today because I was talking about Kanika. But thank you for joining us and thank you for always supporting my music. I think jo artists hain, they're nothing without their fans and their admirers. So thank you so much for your constant support and keep supporting good music. Aur agar aapko bhi gaane ka shauk hai, to please sing your hearts out and do good music, promote good music. And bas khush raho life mein, koi tension nahi hai. Thank you so much. Thank you, Kanika. मैंने आपके साथ जैम नहीं किया बट थैंक यू सो मच फॉर यू नो अडियरिंग टू ऑल आवर रिक्वेस्ट्स, यू बीन लवली. थैंक यू सो मच. यू टेक केयर. बाय. सो यस, दैट वाज हर्षदीप कौर विद अस एंड ऑल ऑफ यू जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हर्षदीप के सारे फैंस, यू कैन एक्चुअली गो जैम विद हर. स्म्यूल ऐप पर जाओ, उनके साथ जैम करो. इंडिया जैम करेगा. दिस इज अ न्यू फ्रेंडशिप एंथम जो बेनी दयाल और शालमली ने गाया है, स्नेहा खनवलकर ने उसे कंपोज किया है. उस गाने पे जाकर जैम कर सकते हो और इफ हर्षदीप लाइक्स योर वर्क शी विल एक्चुअली शेयर इट एंड यू वोंट नो कि वो किसने देखा, क्या हुआ, यू नो रेस्ट कैन बी द हिस्ट्री. सो यस, प्लीज गो एंड चेक आउट स्म्यूल पे ये पूरी स्म्यूल फ्रेंडशिप प्लेलिस्ट. दोस्ती वाले गाने हैं ऑफकोर्स, आप अपने दोस्तों के साथ वो यूजुअल लाइफ वाला जैम तो कर नहीं पा रहे हो, राइट? गेड़ियां नहीं मार पा रहे हो, हाउस पार्टीज नहीं हो रही है, ऑल नाइटर्स नहीं हो रहे. आई नो इट, वी सेट यू, वी हैव कम्प्लीटली टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रेडियो मिर्ची एंड स्म्यूल ने एक साथ ही जो स्म्यूल फ्रेंडशिप जैम शुरू किया है, इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप गाइज. सो अपने दोस्तों के साथ स्म्यूल फ्रेंडशिप जैम पे जो प्लेलिस्ट है उसके सारे गानों पर, इंडिया जैम करेगा पर you can just jam and have a lot of fun. So please go check that out. And I'll take your leave now. I hope you liked our conversation today. My name is Kanika. I'm a radio jockey with Radio Mirchi. And I hope we get to talk soon. Thank you so much for being such, you know, a lovely audience, I would say. And if you want to jam with me on Smule, we can jam too. But... So, yep. Bye. Have a great day. Ta-ta.